डिफरेंट अल्कोहल्स की प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने बताया आपको, टर्सरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, तो इस ऑर्डर का रीजन क्या है? देखिए सबसे पहले मैं एक दो बातें और क्लियर कर देता हूँ आपको, इसका क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ अनहाइड्रस जेड एन सी एल टू। तो होता क्या है, आर ओ एच जेड एन सी एल टू के साथ रिएक्शन करता है, और आपको पता है अनहाइड्रस जेड एन सी एल टू जो है वो एक लेविस एसिड की तरह काम करता है, इट एक्ट एज लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये लोन पेयर इसके साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से होगा, आर ओ एच जेड एन सी एल टू। तो ऐसा होने से क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है ये गेट वीकर, दिस बॉन्ड गेट वीकर, ये बॉन्ड वीक हो जाता है एंड इजीली क्लीव हो जाता है बॉन्ड, जल्दी टूट जाता है बॉन्ड। तो जेड एन सी एल टू का तो इतना रोल है। अभी हम देखते हैं उस रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखिए होता क्या है, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री और ओ एच, यहाँ पे एच आयन के साथ रिएक्शन हुई, लोन पेयर प्रोटोनेट हुआ, क्या बना, इट विल फॉर्म सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री और ओ एच, ये बना। ये वाला बॉन्ड मान लीजिए टूटता है तो वी शैल गेट टर्सरी कार्बो कटायन, क्या बनता है, टर्सरी कार्बो कटायन। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है देन वी शैल गेट सेकेंडरी कार्बो कटायन, प्राइमरी अल्कोहल है वी शैल गेट प्राइमरी कार्बो कटायन, और आपको तो पता है कि टर्सरी कार्बो कटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, ऑल द रिएक्शंस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो रिएक्शन भी क्या होगी, फास्ट होगी। सो टर्सरी इज द फास्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी कार्बो कटायन एंड देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो ये था इसका रीजन। तो पहला वे, पहला मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर हेलोअल्केन, दैट इज क्लोरोअल्केन भी कह सकते हैं आप, लुकास रीजेंट का यूज करके। अभी नेक्स्ट हेलोजन एसिड लेता हूँ मैं, HBr। HBr को यूज करके हम ब्रोमोअल्केन कैसे बना सकते हैं? लुकास रीजेंट के बाद अल्कोहल से ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं हेलोअल्केन को, तो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, और मैं इसको अगर ट्रीट करता हूँ HBr के साथ, तो सिंपली दिस ओ एच इज रिप्लेस्ड सी एच थ्री सी एच टू और बी आर प्लस एच टू ओ, दिस इज जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर हम बात करें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, तो हुआ कैसे, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस एच आई एन, ये यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बनेगा बोलो, सी एच थ्री सी एच टू ओ पॉजिटिव एच लोन पेयर एंड एच, प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी कह सकते हैं इसको, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारा फर्स्ट स्टेप में बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो Br है वो अटैक करेगा इस पे, इस कार्बन पे, और OH हट जाएगा। अगर यहाँ पे टर्सरी है तो पहले क्लीवेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्पीसीज लेफ्ट बिहाइंड विल बी टर्सरी कार्बोकैटायन। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू ओ प्लस एच एच लोन पेयर प्लस बी आर नेगेटिव, ये वाला अटैक करेगा इस कार्बन पे एंड द बॉन्ड विल ब्रेक इन सच ए वे टू फॉर्म सी एच थ्री सी एच टू बी आर प्लस एच टू। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, यहाँ जो एच बी आर है दिस इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन सी टू, HBr is prepared in C2. In C2 का मतलब during the reaction, इसमें heating की भी जरूरत पड़ती है। HBr is prepared in C2 by the reaction of KBr and H2SO4.
KBr और H2SO4 की रिएक्शन से, कैसे KBr प्लस H2SO4 रिएक्शन क्या होगी, K और यहाँ से HSO4 तो बना KHSO4 और Br यहाँ से H यहाँ से बना मेरे पास HBr एंड दिस एसिड हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr ये रिएक्शन को कैरी आउट करता है। तो HBr अनस्टेबल होता है, आपको तो पता है कि जो HF HCl HBr एंड HI इसमें ये वाला स्ट्रोंगेस्ट एसिड है बिकॉज ये HI इनको जल्दी छोड़ देता है एंड हाईली अनस्टेबल, लिस्ट स्टेबल, कम स्टेबल और ज़्यादा स्टेबल, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है नीचे की तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो HBr इज लिस्ट स्टेबल एंड इट इज़ प्रिपेयर ड्यूरिंग C2 या इन C2 ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसको प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ KBr एंड H2SO4 HBr बनता है। तो ये था हमारा HBr का यूज़ करके ब्रोमोमीथेन, ये ब्रोमोइथेन ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाएं, दैट इज ब्रोमोएल्केन कैसे बनाएं। अभी नेक्स्ट HI हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज़ करके हम कैसे रिएक्शन को थर्ड पार्ट लेते हैं, CH3CH2OH प्लस HI CH3CH2I प्लस H2O। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर है जो हमने HBr के केस में किया था। यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ, HI इज प्रिपेयर्ड इन C2 बाय द रिएक्शन ऑफ KI एंड H3PO4 कैसे KI प्लस H3PO4 रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, आयनिक रिएक्शन है, K प्लस 1 I माइनस 1 इधर से, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता हूँ तो H प्लस और प्लस में क्या बना H2PO4 माइनस 1, तो रिएक्शन हुई मेरे पास HIN और I माइनस 1 HI प्लस KIN और H2PO4 KH2PO4। तो ये हमारे पास क्या बना हाइड्रोजन आयोडाइड जो रिएक्शन को कैरी आउट करता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है और वो क्वेश्चन क्या है, व्हाइल प्रिपेयरिंग आयोडो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग HI वी यूज H3PO4 विद KI एंड नोट H2SO4, यानी हमने HBr जब बनाया आपको याद होगा पीछे HBr बनाया उस टाइम पे वी यूज्ड H2SO4, लेकिन यहाँ पे हम H3PO4 यूज कर रहे हैं, H2SO4 क्यों नहीं। तो क्वेश्चन हुआ वाई, ये NCRT का क्वेश्चन है, इट इज़ NCRT क्वेश्चन, वाई H2SO4 इज नॉट यूज्ड विद KI, वाई H2SO4 इज नॉट यूज्ड विद KI फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल, ये हमारा क्वेश्चन है। तो रीजन बिल्कुल साफ है, पूछा है कि H2SO4 को यहां पे यूज क्यों नहीं किया इसमें, बिकॉज H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइजेस प्रोड्यूस्ड HI इंटू I2, यानी ये कह रहा है कि HI तो निकलेगा लेकिन जो H2SO4 है बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये HI को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कर देता है इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। H2SO4 जो है आपने P ब्लॉक में पढ़ा होगा, H2SO4 H2O SO2 प्लस O नेसेंट ऑक्सीजन देता है ड्यू टू विच इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
उसके बाद जो ऑक्सीजन निकला वो क्या करता है, मान लीजिए के आई मैंने H2SO4 के साथ ले लिया, के आई प्लस H2SO4, तो मेरे पास बनेगा HI प्लस KHSO4। रिएक्शन तो हुई, लेकिन ये जो HI बना ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, H2O प्लस I2। अभी हम इसको जोड़ के और रिएक्शन को, मतलब जो ओवरऑल रिएक्शन वो कर सकते हैं, O से O कैंसिल, 2HI है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके HI से HI काट देंगे और जोड़ देंगे। मेरा कहने का अर्थ स्पष्ट है कि H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो यहाँ पे जो HI बना, KI और H2SO4 अगर ले लिया हमने तो HI बना, HI तो बनेगा, लेकिन जो HI बना उसको H2SO4 क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू I2। दैट्स वाई H2SO4 इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग KI एंड H2SO4, यू कैन से। सो ये था हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यूजिंग हैलोजन एसिड।